हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं ओंकारेश्वर में श्री श्री रवि शंकर जी के आश्रम पे आई हुई हूँ और यहाँ पर माँ नर्मदा जी के किनारे एक बहुत सुंदर घाट बनाया गया है। तो ओंकारेश्वर बांध से जो कल रात में पानी छोड़ा गया है उसके कारण आप देख सकते हैं पूरा घाट जलमग्न हो चुका है। और अभी मेरे साथ है मोनिका दीदी और यहाँ पे प्रदीप ठाकुर अंकल ने, जो आपको दूर से दिख रहे होंगे। तो मैं मोनिका दीदी से पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर जगह है। मैं तो पहली बार आई हूँ, बट बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। थैंक यू मैम। अब हम आते हैं प्रदीप ठाकुर अंकल के पास। जी अंकल जी, बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर समय समय पर श्री श्री रविशंकर आश्रम में विभिन्न प्रकार के कोर्स चलते रहते हैं। ओंकारेश्वर बांध से 15 गेटों को खोला गया है जिसके कारण आप देख सकते हैं पूरा घाट जलमग्न है।